अब बोर्ड का एग्जाम पास है और इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स की तैयारी तो बनती है, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट बोर्ड के हो, आपके इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स जरूर मिलेगा। आज का इस वीडियो है हमारा इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, जहां पर मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। दैट मीन्स वन शॉट वीडियो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जहां पर इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। हर एक चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल आते हैं आपसे, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिमांड से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको पढ़ना है, राइट। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा में क्या दे रखा है, प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज क्यू। इसको क्यू से लिखते हैं, इसको पी से लिखते हैं। जब आप सबको पता है कि डिमांड में क्या होता है ना, प्राइस जब डिक्रीज होता है तब हमारा डिमांड जो है इंक्रीज होता है। इसका मतलब दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। बट ये सब छोड़िए, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला यूज करना है ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। कहीं कहीं इसको कई सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, सर फार्मूला गलत है। देखिए फार्मूला आप नॉर्मल लिखते हैं क्या, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो डिवाइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है मल्टीप्लाई में, ऐसे में बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है ना वो रिवर्स होता है, ठीक है ना, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब हमारे पास फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी, जहां पर हमें निकालना है डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि डिमांड क्वांटिटी चेंज क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जितना भी डिमांड है उसमें कितना चेंज हुआ। देखो 20 था 25 हो गया, दैट इज 25 माइनस 20, दैट इज हियर इज 5। सेम हमें निकालना डेल्टा पी, तो डेल्टा पी इक्वल टू 10 से 9 हो गया, दैट इज 9 माइनस 10, इट इज ऑलवेज 1। हमें इतना ध्यान रखना होगा कि एक ना एक, चाहे डिमांड हो चाहे पर प्राइस हो, दोनों में एक पॉइंट नेगेटिव जरूर आएगा, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर भी नेगेटिव आता है, चाहे आप लिखते हैं चाहे नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब डेल्टा क्यों आ गया, अब टाइम एक पी क्यों, क्यों क्या है जो पहले वाला है, दैट इज क्यू इक्वल टू 20 और यहां पर पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब इसको उठाइए फार्मूले में रखिए, दैट इज ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज अवर 5, राइट, 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई पी, दैट इज 10 अपॉन माइनस का 1। अब कैलकुलेट करना रह गया, 0 से 0 कट गया, दैट इज और कुछ बचा, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10, ये माइनस का है तो ये माइनस का बचेगा, दैट इज आंसर। इतना करने के आपके पूरे, चाहे 3 मार्क्स का हो चाहे 4 मार्क्स को, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आ गया, डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब इसी में एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसको इस तरह से होता है, अ कंज्यूमर बाइज 10 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 12 यूनिट्स, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक कंज्यूमर जो है 6 रुपए पर यूनिट पे 10 यूनिट्स परचेस करता था, यानी कि जब प्राइस था, जब सॉल्व करेंगे ना आप, हमेशा लिखिए कि एक तरफ हमारे पास दे रखा है प्राइस, जब प्राइस 6 था तो जो डिमांड था क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट इज क्यू 10 यूनिट का था। आपसे कहा गया है कि प्राइस कितना हो कि डिमांड बढ़ के कितना हो जाए 12, जाहिर सी बात है हमारा प्राइस क्या होगा, कम होगा, ताकि ये इंक्रीज हो, ठीक है ना। वहीं पर हमारे पास ईडी कर्ड दे रखा है, दैट इज -1, समझ में आ गया। अब आपसे कहा क्या, यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना होता है, राइट, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, -1 है। -1 का मतलब ये होता है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, सेम दोनों में। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब हम यूनिट होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट यूनिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड यूनिट भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, पी वन मल्टीप्लाई बाई क्यू वन, ये है पी वन और ये है क्यू वन,
इक्वल टू हो जाएगा पी टू मल्टीप्लाई बाई क्यू टू, ठीक है। इसका मतलब ये है पी टू और ये है क्यू टू। पी वन हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई क्यू है 10, उसी टाइम में पी टू हमारे पास पता नहीं कितना एक्स है और क्यू टू दे रखा है 12। कैलकुलेट करना रह गया, अब यहाँ से इक्वेशन बन गया, दैट इज एक्स इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 12। 6 पंजा 6, 6 टू 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5। इसका मतलब अगर प्राइस रुपीज 5 रुपये हो जाए तो उस समय डिमांड कितने का होगा, 12 का होगा, यानी कि प्राइस डाउन हुआ तभी क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से, और टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन, जहां पर कहा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, टेबल कंप्लीट करने के लिए। और टेबल कंप्लीट करने के लिए तीन चीजें होती है हमारे पास, टोटल प्रोडक्ट दैट इज टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, तीनों में से कोई एक दिया होता है, बाकी दो कैलकुलेट करना होता है। और ये अक्सर 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, हमारे पास दिया क्या है टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट से यहां पर एमपी निकालना है और एपी निकालना है, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट दिया होने पर एमपी का फार्मूला होता है एमपी इक्वल टू टू टीपी एन माइनस वन, मतलब जिस यूनिट का हमें मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है उस यूनिट के टोटल प्रोडक्ट से ठीक उससे पहले वाले को माइनस करना है। 35 से पहला कुछ है, कुछ नहीं, यानी कि एम पी हमारा कितना 35 होगा, 50 उसके ऊपर क्या है 35 है, तो 50 में से 35 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 69 के ऊपर 50 है, 69 माइनस 50 तो ये हो जाएगा हमारे पास 19, ठीक है। और 90 के ऊपर 69 है तो 92 माइनस 69 तो इसको लेस कर देंगे कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 6 गया 2, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। अब ये क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए पी इक्वल टू टी पी डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसको हम, सॉरी क्यू बता रहे हैं यहाँ पर, इसको एल लिखा जाता है लेबर यूनिट, दैट इज यूनिट से डिवाइड करेंगे, यानी कि 35 को डिवाइड करना होगा 1 से तो हमारा आंसर आएगा 35। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 25। 69 को डिवाइड करेंगे 3 से, 69 डिवाइडेड बाई 3, 3 टू जै 6, 3 3 जै 9। और लास्ट में 92 को डिवाइड करेंगे 4 से, 92 डिवाइडेड बाई 4, 4 टू जै 8, 4 3 जै 12। ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी होता है, एग्जाम में मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे इतना। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पेशली तैयार करके रखिए, कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसी भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में, तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से है, लेकिन टॉपिक है हमारा कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट से। अब ये क्वेश्चन देखिए बाकी क्वेश्चन से जरा अलग है, बाकी क्वेश्चन में हमारे कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, बल्कि यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास एसी दे रखा है दैट इज एवरेज कॉस्ट, एमसी दे रखा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अब कहा है जो इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट कीजिए। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास एसी दे रखा है और अगर हमारे पास एमसी दे रखा है, दोनों ही का ही कैलकुलेशन तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास टोटल कॉस्ट ना हो। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट से ही एवरेज कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट से ही मार्जिनल कॉस्ट आता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। अगर हमारे पास एसी है तो एसी से टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका होता है एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है तो टीसी निकालने के लिए यूज किया जाता है समेशन एमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे। अब देखिए आइटम क्या दे रखा है, सबसे पहले यूनिट पे एवरेज कॉस्ट दे रखा है, तो एवरेज कॉस्ट से निकालिए टोटल कॉस्ट, क्या फार्मूला होता है एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये है क्यू, यह है एसी, मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जा 12, राइट। फिर 10 दे रखा है, 10 टू जा 20, अब यहाँ नहीं दिया हुआ है, अब इस यूनिट में एसी खाली है लेकिन एमसी दे रखा है, अब एमसी दिया हुआ है तो टीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन एमसी, यानी कि इसके ऊपर के जितने भी है सबका टोटल, अब इसके ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया टीसी, अब जस्ट बाद वाला 10 एमसी है तो 20 और 10 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 हो गया। अब यहाँ पर आइए 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। फिर से करते
4 5 20, ये 0 हो गया, 4 1 4, दैट इज 42। ओके नेक्स्ट 11 5 55, और नेक्स्ट फिर सेम है, हमारे पास एम सी गिवन है, तो 55 में 17 को ऐड कर देंगे तो 5 और 7, दैट इज 2, 5 6 1 7, ठीक है ना, 72, राइट। टोटल कॉस्ट पूरा आ गया, अब जो बचा हुआ निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट गिवन है और एसी निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट से एसी निकालने का फार्मूला होता है एसी इक्वल टू टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये आ गया, ये भी आ गया। अब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, और लास्ट में बचा है ये 6 यूनिट पे कितना होगा, 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, दोनों आंसर आ गए हमारे पास। अब एम सी निकालेंगे, एम सी का फार्मूला क्या होता है, एम सी का फार्मूला होता है एम सी इक्वल टू टी सी एन माइनस वन, जिस यूनिट का एम सी निकालना है उस यूनिट से ठीक ऊपर वाले टी सी को माइनस करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वन यूनिट पे जो टोटल कॉस्ट होता है वही एम सी भी हो जाएगा, दैट इज 12। ओके नेक्स्ट यूनिट में 20 में से 12 को माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 8, राइट। अब ये तो ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट 42 में से 10 को माइनस कर देंगे, सॉरी 30 को माइनस कर देंगे, 42 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 42 माइनस 30, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 12। 55 में से 42 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। अब सारा आ गया, ये हो गया 12, ये 8, ये 12, 13, सारा आ गया, तो हमारा टेबल भी कंप्लीट हो गया। आपको इसके 3 से 4 मार्क्स तक मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कॉस्ट से ही जो क्वेश्चन आता है, लंबा बड़ा सा क्वेश्चन, दैट इज जो लॉन्ग में होता है, हमारे पास कुछ आइटम दे रखे होंगे और बाकी पूछा जाएगा। अब कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, अब टेबल में क्या है, यूनिट्स गिवन है, दैट इज क्यू, टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट, टी सी टोटल कॉस्ट गिवन है। टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, टोटल फिक्स कॉस्ट फर्स्ट यूनिट में जितना होता है लास्ट तक उतना ही होता है, यानी कि ये 60-60 है हर यूनिट पे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आपका नहीं होना है। हमें निकालना क्या है, टी वी सी, ए एफ सी, ए बी सी, ए टी सी और एम सी, विद फार्मूला समझिए इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें टेबल में क्या फिल करना है, टी वी सी। अब टी वी सी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से फार्मूला होता है टी वी सी इक्वल टू होता है टी सी माइनस टी एफ सी, जो टी सी है जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 60 से 60 माइनस करेंगे ये तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर 120 से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 60। 180 से 60 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 120, इसी तरह लेस करते हुए चलेंगे, सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट को, तभी जाके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। तो 200 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 140, 210 में से 60 माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 150, 225 में से 60 माइनस कर देंगे 165, 260 में से 60 माइनस करेंगे 200, और 330 में से 60 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 217, राइट। आ गया नेक्स्ट, हमें निकालना ए एफ सी, ए एफ सी जिसका फार्मूला होता है टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू, टी एफ सी डिवाइडेड बाई क्यू, टी एफ सी गिवन है, क्यू भी गिवन है, खाली डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करना है तो डिवाइड कीजिए, टी एफ सी को किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो या तो वहां पर डैश कर दीजिए या फिर वहां पर इन्फिनिटिव का साइन लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, और 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे दैट इज 7.5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, टी एफ सी आ गया, सॉरी ए एफ सी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, ए बी सी, ए बी सी का फार्मूला होता है टी बी सी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल लिया है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, ठीक है, दैट इज 0 से 0 होता है, यहाँ पर डैश कर दीजिए कुछ नहीं होगा ये। अब 60 को 1 से डिवाइड करेंगे 60 ही आएगा,
120 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 60 ही आएगा। 140 को 3 से डिवाइड करेंगे, 46.6 आएगा। 150 से को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 37.5। फिर नेक्स्ट 165 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 थ्री जा दैट इज 33। 200 को 6 से डिवाइड करेंगे, 33.3। और लास्ट 270 को 7 से डिवाइड करेंगे, 88.5 ये आ जाएगा। नेक्स्ट एटीसी, एटीसी का फार्मूला होता है टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। एटीसी को हम एसी भी लिख सकते हैं या टीएसी भी लिखा जाता है, ठीक है ना, डजेंट मैटर, एक ही चीज है, दैट इज टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट से क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट है जीरो, जीरो को सो 60 है, फर्स्ट जीरो पे 60 को जीरो से डिवाइड करें कुछ नहीं आएगा, या तो डैश लिखिए या इन्फिनेटिव लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 120 को 1 से डिवाइड करेंगे, 120 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये 120 ही आएगा। 180 को 180 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज 90। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 66.6। फिर 210 को 4 से डिवाइड करेंगे, 210 से 4 के डिवाइड करेंगे, दैट इज 52.5। 225 को 5 से डिवाइड करेंगे, 45। 260 को 6 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 43.3। और लास्ट में 330 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 47.1, राइट। अब लास्ट में एक ही आइटम बचा है, दैट इज एमसी। अभी अभी कैलकुलेट करना बताया था, कैलकुलेट का तरीका क्या होता है, एमसी इक्वल टू TCn-TCn-1, ठीक है। या फिर दूसरा होता है, अगर हमारे पास टीसी नहीं है, टीवीसी भी आता है ना, TVCn-TVCn-1, टीवीसी भी कैलकुलेट होता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर डिपेंड होता है। जीरो फर्स्ट यूनिट पे कुछ नहीं है तो इसको भी डैश कर देंगे। दूसरी यूनिट पे कितना है, 120 से 60 को माइनस कर देंगे, दैट इज 60। फिर माइनस करते हुए 180 से 20 को माइनस कर देंगे, इट्स ऑल्सो 60। 200 से 180 को माइनस कर देंगे, दिस वन 20। 210 से 200 को माइनस कर देंगे, दिस वन 10। 225 को 210 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 15। 260 से 225 को माइनस कर देंगे, दिस वन 35। और लास्ट 330 से 260 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 70। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा कंप्लीट पोर्शन हो गया। कोई भी डाउट होता है इसमें, फार्मूले में डाउट है, फार्मूला बेटा याद करना पड़ता है, फार्मूले में डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होता है, आपके कमेंट्स के लिए होता है, जरूर रिप्लाई करूंगा, उसको जरूर सुलझाऊंगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती होगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेवेन्यू वाले चैप्टर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। यहाँ पर भी टेबल फिल करना है, दे रखा है, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू दैट इज टी आर, एवरेज रेवेन्यू दैट इज ए आर, एंड मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एम आर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टेबल। टेबल क्या दे रखा है, प्राइस गिवन है और सेल्स गिवन है। हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू दैट इज टी आर, हमें निकालना है एवरेज रेवेन्यू दैट इज ए आर, हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज एम आर। सबसे पहले टी आर का फार्मूला, टोटल रेवेन्यू का फार्मूला होता है जब हमारे पास प्राइस गिवन होता है और सेल्स गिवन होता है, दैट इज क्यू, ठीक है ना। दोनों की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू कर दीजिए। 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द 20, 15 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 60, 21 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वन जै 6, 6 टू द 12, और 8 एंड 30 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 240 आ गया। नेक्स्ट ए आर, ए आर का फार्मूला क्या होता है, ए आर का फार्मूला होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, जो भी टोटल रेवेन्यू आया उसको क्यू से डिवाइड करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ए आर होता है हमेशा प्राइस पर यूनिट के बराबर होता है, यानी कि प्राइस और ए आर दोनों ही बराबर होंगे। कैसे, देखिए 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये जगह 2, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, दिस वन 4, 126 को 21 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 6, और 240 को 30 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 8, दोनों बराबर आ गया। दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज प्राइस ऑफ पर यूनिट, ठीक है। अब एम आर निकालेंगे, एम आर का फार्मूला क्या होता है, एम आर इक्वल टू होता है टी आर एन माइनस वन, जिस यूनिट का एम आर निकालना उससे ठीक ऊपर वाले टी आर को उससे माइनस कर देंगे। 20 का एम आर निकालना है, 20 के ऊपर कुछ नहीं, दिस वन 20, 60 माइनस 20 दैट इज 40,
126 माइनस 60 दैट इज 6, 12 में से 6 गया 6, और 240 में से माइनस कर देंगे 126 को, दिस वन 4, 33 में से 2 गया 1, और यार इज आल्सो 1, 1 1 4, समझ में आ गए यहाँ तक? ये टेबल बिल्कुल सिंपल था। अब लास्ट एक चैप्टर बचा है, ठीक है ना, अब वो टॉपिक क्या है, सप्लाई। सप्लाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ना, वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई से क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, देखिए जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है। अब प्रोड्यूसर सप्लाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड्स एट ए प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 4, हाउ मच विल बी सप्लाई एट ₹5 पर यूनिट। अब यहाँ पर आपको पता है सप्लाई में क्या रिलेशन, लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से ही सप्लाई इंक्रीज होगी, और प्राइस के डिक्रीज होने के साथ साथ सप्लाई डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हमारे पास इलास्टिसिटी दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, हमें निकालना है कि ₹9 पर यूनिट होने पर कितनी क्वांटिटी की सप्लाई होगी। दैट मीन्स सबसे पहले देखिए कि प्राइस कितना था और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितना था, दैट इज क्यू, ठीक है। अब प्राइस है ₹10 तो सप्लाई है 80, प्राइस घटके कितना हो गया 9, दैट इज ये भी कम हो जाए, कितना होगा पता नहीं, हम उसको मान लेते हैं एक्स। अब यहीं पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास गिवन है 4, राइट। अब इस सिचुएशन में जो फार्मूला यूज किया था वो होता है ES इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वही फार्मूला है जो थोड़ी देर पहले मैंने डिमांड के कैलकुलेशन के, फार्मूला वही सेम होता है, पर नेम बदल जाता है। अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को पता नहीं, दैट इज एक्स माइनस 80, और क्यू हमारे पास हो जाएगा 80। अब नेक्स्ट चाहिए डेल्टा पी इक्वल टू 9 माइनस 10, और यहाँ पर पी हो जाएगा 10। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी गिवन है, उठाइए और फार्मूले में रखिए, 4 इक्वल टू एक्स माइनस 80 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 1, ये कितना हो गया था 1, ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए। ओके अब किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का, और यहाँ रखेंगे माइनस, अब कैलकुलेट करना रह गया, जीरो से जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 4 इक्वल टू एक्स माइनस 80 अपॉन 8 बन जाए 8 माइनस का 8, ठीक है, कैलकुलेट करिए आगे, 8 इधर आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही होगा, 8 फोर जा 32 इक्वल टू एक्स माइनस 80, राइट। अब इंटरचेंज करेंगे, ये हो जाएगा 32 प्लस 80 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80 में से 32 को लेस करेंगे, दिस वन 48। इसका मतलब होता है जब प्राइस ₹9 पर यूनिट होगा तब जो सप्लाई होता है वो डिक्रीज होगी, कितना हो जाएगा 48 यूनिट्स का, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है जाहिर सी बात है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी डिक्रीज होगी, ये हमारा राइट आंसर है। अब इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹30, ठीक है, सॉरी ₹20 है ये, ₹20 टू पर यूनिट टू ₹30 पर यूनिट एट रेवेन्यू ऑफ द फर्म प्रोड्यूसिंग दैट गुड राइजेस फ्रॉम 100 टू 300, ₹20 में बेचा जाता था, अब वो क्वांटिटी प्राइस बढ़ के कितना हो गया 30, एक तरफ लिखिए प्राइस, समझ में आ जाएगा, एक तरफ लिखिए रेवेन्यू, जब ₹20 था तो रेवेन्यू हो रहा है ₹100 का, जब ये इंक्रीज होके 30 हो गया तो रेवेन्यू भी इंक्रीज कितना हो गया 300। हमसे पूछा गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फार्मूला क्या होता है, अभी बताया ये फार्मूला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। अब हमारे पास क्वांटिटी तो है नहीं, रेवेन्यू दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा क्वांटिटी, और क्वांटिटी इक्वल टू हो जाएगा रेवेन्यू डिवाइडेड बाई प्लस प्राइस, तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया क्वांटिटी, निकालिए डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, और डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, वहीं पर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 5 और पी इक्वल टू हो जाएगा 20, ये पुराना वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट कीजिए, तो फार्मूला ये है रहा हमारे पास, तो
ES इक्वल टू हो जाएगा 5/5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा हमारे पास 20/10। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, दैट इज ES इक्वल टू 2, दैट इज आंसर इज प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 2। ठीक है, मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, लगातार आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।